तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आप अपने फेसबुक का नेम चेंज करने के लिए तो दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं चलिए हम आपको बताते हैं उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलता है जिससे कि आपको कुछ ना कुछ फायदा हो सके सो so, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा जैसे आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है फर्स्ट में आपको बेक आ जाना होगा बेक आने के बाद प्ले स्टोर को कर लेना होगा ओपन देन आपको सर्च बार में आ जाना है उसके बाद दोस्तों आपको फेसबुक लिखकर सर्च कर देना होगा अब आपको क्या करना है दोस्तों अगर आपको इधर अपडेट का ऑप्शन हो रहा है तो आपको इधर से अपडेट कर लेना होगा इससे ये होगा कि जो भी फेसबुक एप्लीकेशन में न्यू न्यू फीचर आया होगा आपको इसमें देखने को मिल जाता है एंड उसके बाद सिंपल आपको ओपन कर लेना होगा जैसे आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है दोस्तों मैं आपको इजी सा प्रोसेस बता रहा हूँ जिसको फॉलो करके दोस्तों आप बहुत आसान तो तरीके से आप अपने फेसबुक का नेम आप चेंज कर सकते हैं अब आपको दोस्तों सिंपल आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना होगा थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है अब दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं आपको इस वो ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा देन इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं गो टू अकाउंट सेंटर तो सिंपल दोस्तों आपको आपको इस इस पर पर क्लिक क्लिक कर देना होगा देन करने के बाद है अकाउंट सेंटर तो सिंपल आपको प्रोफाइल पर क्लिक कर देना होगा प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जितना भी अकाउंट्स होगा यानी कि फेसबुक अकाउंट्स अगर आपके पास दोस्तों फेसबुक मल्टीपल्स अकाउंट है एक से ज्यादा अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट्स है तो दोस्तों आपको उस अकाउंट पर क्लिक कर देना होगा जिसका भी दोस्तों आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों उस अकाउंट पर क्लिक कर देना होगा मैं चाहता हूं दोस्तों इस वाला अकाउंट का नेम चेंज करने के लिए तो सिंपल दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर दिया देन क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है अब सिंपल आपको नेम वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको इधर तो सिंपल आपको दोस्तों नेम पर क्लिक कर देना होगा जैसे आप नेम पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलता है फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम तो अब आप दोस्तों आपको देखने को मिलता है फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम दोस्तों आप जो भी चेंज करना चाहते हो आपको इधर डाल देना होगा या फिर दोस्तों अगर आप चाहते हो तीनों चेंज करने के लिए तो आप इधर से तीनों भी चेंज कर सकते हैं तो आपको दोस्तों क्या करना है आपको अपने फर्स्ट नेम डाल देना होगा देन आपको इधर मिडिल नेम अपने डाल देना होगा अगर आप डालना चाहते हो तो अगर आप चाहते हो दोस्तों मिडल नेम नहीं डालेंगे तो दोस्तों आप ऐसे छोड़ भी सकते हैं एंड नीचे को मिलता है जैसे कि लास्ट नेम तो दोस्तों जो भी आप लास्ट नेम रखना चाहते हो आपको अपने लास्ट नेम डाल देना होगा अब दोस्तों आपके समय कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है प्रिव्यू चेंज अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आपको देखने को मिलते है प्रिव्यू तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने नेम चेंज करने से पहले दोस्तों आपको इसको रीड कर लेना है जैसे की आई एफ यू चेंज योर नेम यू कैन चेंज इट अगेन फॉर डेज इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप अपने फेसबुक का नेम एक बार चेंज कर लेते हैं तो फिर दोस्तों आप साठ दिन के बाद आप चेंज कर सकते हैं यानी कि दो महीने बाद तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखना है उसके बाद सिंपल आपको रिव्यू चेंज इस पर क्लिक कर देना होगा तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखना है उसके बाद सिंपल आपको रिव्यू चेंज इस पर क्लिक कर देना होगा अब जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है अगर आप दोस्तों रखे हो, तो आपको ऐसे तीन आपको नेम देखने को मिलता है तो आपको उस नेम पर क्लिक कर देना होगा जिसको भी दोस्तों आप रखना चाहते हैं उसके बाद सिंपल आपको सेव चेंजेस

हो जाएगा तो वैसे दोस्तों मुझे अभी फेसबुक का नेम वो चेंज नहीं करना है अगर आप चाहते हो चेंज करने के लिए तो जैसे मैं आपको प्रोसेस बताया वैसे फॉलो करके आप अपने नेम चेंज कर सकते हैं सो तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों अगर आप चैनल पर पहले बढ़ाए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस वीडियो को रिलेटेड आपका एनी कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मैं उधर आपको रिप्लाई दे दूंगा सो दोस्तों आज के लिए बस यही मिलते हैं